मंदिर उनका, पैसा उनका, घोटाला उनका। अरे तुम इसको टुकड़ों में खा लो मंदिर को, या सारे मंदिर को घर ले जाओ। हम एससी एसटी ओबीसी के लोग, हम दलित शूद्र लोग, हमारे पिछवाड़े पर झाड़ू और गले में हांडी लटकती थी, हमें तुम्हारे मंदिर से मतलब क्या है? लूटने वाले ब्राह्मण, लुटवाने वाले ब्राह्मण, सरकार ब्राह्मणों की, तो उसमें हमने क्या करना? लूटो, तुम्हारा पैसा खूब लूटो। ना तो मैं चंदा देने वालों में था, ना मैं पूजा करने वालों में हूँ, ना मैं वहाँ फूल बेचने वालों में हूँ, ना मैं मंदिर के समर्थन में था। मैं पहले दिन से कह रहा था कि जितनी लंबी लड़ाई हम लोगों ने मंदिर की लड़ी, उतनी लंबी लड़ाई अगर हम इस देश में स्वास्थ्य सिस्टम की लड़ते, एजुकेशन सिस्टम की लड़ते, तो शायद आज जो वर्तमान में कोरोना के चलते हजारों लाखों लोग हमारे बिना ऑक्सीजन के मारे गए, उनकी डेथ नहीं होती। तो हमको अंधभक्ति से ऊपर उठ करके मंदिर की लड़ाई लड़ना, मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है यार, मंदिर बनाना काम है मंदिर के जो मानने वाले लोग हैं उनका। गुरुद्वारा बनाना काम सरकार का नहीं है, गुरुद्वारा बनाने का काम है सिखों का, और मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है। सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार का काम है स्कूल बनाना, ये काम सरकार के। राकेश टिकैत, चूंकि उनका नाम बार बार मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो किसानों के बड़े नेता हैं, उनकी बात वो जो कहेंगे उस बात पर किसान अमल करेंगे। वो कहेंगे कि अगर हम भाई मायावती का समर्थन कर रहे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा जो है, अगर वो इस प्रकार का डिसीजन लेता है कि हमको बसपा का समर्थन करना चाहिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश का जो किसान है, वो किसी जाति किसी धर्म का हो, तो वो हो सकता है कि उनके कहने से बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में मायावती और अखिलेश और बीजेपी, ये त्रिशंकु विधानसभा, या फिर हो सकता है कि बसपा पहले नंबर पर आ जाए, बीजेपी दूसरे नंबर पर, या अखिलेश दूसरे नंबर पे आ जाए। नागपाल जी, जो मंदिर ट्रस्ट है उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, जब वो चंदे की बात आती है, सबसे ज्यादा चंदा देता है ओबीसी, उनको क्या मिला है आज? नहीं, वो तो हमारे मित्र हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, वो कहते हैं हमेशा कि बड़ा ओबीसी कूद कूद करके कहता था कि क्या नाम है, हम कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, एक भी ट्रस्टी नहीं बना। तो ये ओबीसी जो है, ये उनको पता, ये हिंदू धर्म की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो जब तक इसमें रहेगा तब तक कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म मजबूत रहेगा। लेकिन अब वो पिट रहा है, अब उसको पता चल रहा है कि तू सिर्फ लड़ने के लिए, मरने के लिए, बाकी तरी तो वो कहते हैं ना गाँव में एक देसी कहावत है कि कुटिया कुटला से हाथ मतलब, बाकी सब माल तेरा है। तो कुटिया कुटला से हाथ तो ओबीसी लगाता नहीं है, बाकी माल जो है वो सब तुम्हारा है, तो फिर बचा क्या? तो ये समझना चाहिए ओबीसी को, खास तौर से समझना चाहिए। हमारे यादव भाई बहुत जागरूक हो रहे हैं, अब जाट भाई हमारे बड़े जागरूक हो रहे हैं, पटेल पहले से जागरूक है, तो ओबीसी जग रहा है। जितना जल्दी ओबीसी जगेगा, उतना जल्दी जो है वो ये ब्राह्मणवाद जो और जो पाखंडवाद है, ये भागेगा, मनुवाद भागेगा इस देश से। अब जिस प्रकार से आपने प्रकाश सिंह बादल का जो जिक्र, अकाली दल श्रोमणी अकाली दल का जो है जिक्र किया, वहाँ पर पंजाब में जो गठबंधन हुआ है 97 और 20 सीटों का जो गठबंधन हुआ है, ये तय करता है कहीं ना कहीं कि ये मायावती ने एक तरीके से, मैं कहूँ, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। एक तरीके से उन्होंने ये कह दिया है कि मैं किसानों के साथ वैसे नहीं हूँ कि जैसे लोग शोर मचा रहे हैं, मैं किसानों के साथ ऐसे हूँ कि हमने पंजाब में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बीजेपी वहाँ फाइट में ही नहीं है, पिछले खत्म हो गया। बीजेपी वहाँ अकाली दल के साथ मिलकर के 96 से चुनाव लड़ रही थी, और लास्ट 2017 के चुनाव में 20 सीट बीजेपी को दी थी उन्होंने। 20 सीटों में वही 20 सीट जो बीजेपी वाली थी वही बसपा को मिल गई है। अब जो जिन 20 सीटों पर बीजेपी लड़ती थी वो सीट बीएसपी को मिल गई है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ बीजेपी जो लड़ाई में थी वो लड़ाई से बाहर हो गई है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है, और हमें इसके लिए तारीफ करनी चाहिए बसपा सुप्रीमो की, कि उन्होंने एक अच्छा कदम, पिछले दिनों जैसे बसपा सुप्रीमो का मतलब बड़ी आलोचना भी है, मैं भी एक आलोचक के रूप में हमेशा जाना जाता हूँ, कि जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा, तो हमने विरोध किया है, लेकिन अच्छा काम हुआ तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो अच्छा काम है, और मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अगर इस प्रकार के गठबंधन बनते हैं, चाहे तो वो छोटे दलों के साथ बने, और जैसी अंदर से आवाज़ आ रही है कि हो सकता है सपा बसपा एक मंच पर आ जाएं, हालांकि लग नहीं रहा है, और अगर ये हो जाए तो फिर बहुत अच्छे, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है। हमारा मेन उद्देश्य है बीजेपी को रोकना, और बीजेपी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें आने वाले 5 साल और नहीं पिटना है बीजेपी से। और बीजेपी ये तय कर चुकी है, वो ना मुसलमानों के साथ तो वो थी नहीं, दलितों की भी विरोधी थी, अब वो ओबीसी जो किसान है, जो मजदूर है, उसकी भी विरोधी है, वो किसी की नहीं है। इस देश के चंद जो संघी मानसिकता के लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो माओवाद, जो सामंतवादी परंपरा के लोग हैं, उनके समर्थन में है। पूर्व में जिस प्रकार से राकेश टिकैत और जो एंटायर टीम है, उन्होंने बंगाल में जाकर के जो ममता बनर्जी का समर्थन किया, और वहाँ बीजेपी को सरकार में नहीं आने दिया, सत्ता में नहीं आने दिया, ये इस बात को संकेत करता है कि कहीं ना कहीं इस बात को चिन्हित करता है कि आने वाले समय में जो यूपी विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए किसान जो है वो अपना काम करेगा। अब देखने वाली बात ये है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो समर्थन किसको करेगा, क्या समाजवादी पार्टी को करेगा, क्या कांग्रेस को करेगा, क्या बहुजन समाज पार्टी को करेगा। अब तीन दल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और बंगाल की राजनीति में फ़र्क है।
वहाँ लड़ाई जो थी वो ममता बनाम बीजेपी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई है वो बीजेपी बनाम अखिलेश है, बीजेपी बनाम मायावती है, बीजेपी बनाम कांग्रेस है, यहाँ तीन दल हैं विपक्षी रूप में, और उनमें अभी गठबंधन कौन किसके साथ में करेगा, जैसा देखने को मिल रहा है कि आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ होने जा रहा है, वो तो पहले से है और उसको बढ़ाएंगे ये लोग, और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये गठबंधन जो है वो अपना दल को ले या छोटे छोटे जो और दल हैं उनको लेकर के ये किसी प्रकार से कोई एक जो एक दड़ा तैयार हो जाए। ये भी हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो छोटे दलों को मिला करके अपना एक अलग मतलब तो त्रिशंकु विधानसभा जो है वो बनने के चांस है। अब ऐसी स्थिति में दो चीज़ बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं कि जो किसान नेता हैं वो किसका समर्थन करेंगे, वो क्या मायावती का समर्थन करेंगे, क्या अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे, कांग्रेस समर्थन करने की स्थिति में है यानी कि बीजेपी को हराने की स्थिति में है नहीं, तो दो लोग बच जाते हैं मुख्य रूप से, एक तो बहुजन समाज पार्टी बसपा और दूसरा अखिलेश यादव। अब इन दोनों में मजबूत कौन है, बसपा के पास में अपना कैडराइज वोट है, शेड्यूल कास्ट का, खासतौर से जाटव चमार का, उनके पास में यादवों का अपना वोट है, मुसलमान हमेशा से 50-50 बटता रहा है, चुनावों में देखा गया यादव वोट खिसक गया। हाँ याद देखिए, जब हिंदुत्व की बात आती है, जब भारत माता की बात आती है, जब हम भी हिंदू तुम भी हिंदू ये बात आती है, तो उस समय पर होता क्या है कि सब हिंदू बन जाते हैं, लेकिन जब वो पिटते हैं, जब वो छिटते हैं, जब पता चलता है कि नहीं तुम तो यादव होने के बावजूद भी शूद्र हो, तुम्हारे तो यादव होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी तुम्हारी कुर्सी गौमूत्र से धोई गई थी, तब उनको उनका जो हिंदुत्वपन है, जो उनका क्षत्रियपन है, वो उतरता है। तो ऐसी स्थिति में ये देखने वाली बात है कि वो जो उस समय की जो स्थिति बनेगी उसमें जैसे अखिलेश यादव के साथ में यादव वोट है, मुस्लिम वोट जो है वो हमेशा से हर एक सीट पर वो सपा के साथ भी रहता है, बसपा के साथ भी रहता है, और वहाँ रहता है जहाँ पर जो बीजेपी को हराएगा वो उसको वोट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम वोट है वो भी दो हिस्सों में बंट रहा है। अब वहाँ जो महत्वपूर्ण वोट है वो है ब्राह्मण वोट है, ब्राह्मण वोट की संख्या भी लगभग 8-9% के करीब उत्तर प्रदेश में है, वो भी 40-42 सीटों पर प्रभावित है। अब ब्राह्मण वोट क्या बीजेपी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ तो जाने का सवाल बनता नहीं है, अखिलेश के साथ जाएगा, पिछली बार बीजेपी के साथ गया था, उससे पहले बसपा के साथ गया था, अब मायावती को ये उम्मीद है कि वो जो वोट है ब्राह्मण वोट है वो सतीश मिश्रा के चलते उनकी गोद में आएगा, अगर उधर जाता है तो बसपा मजबूत हो जाएगी। अब ये सवाल है कि क्या किसान किसको समर्थन करेंगे, क्या मायावती को समर्थन करेंगे या अखिलेश यादव को समर्थन करेंगे। अभी दो दिन पहले तीन दिन पहले जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी का एक वीडियो में देख रहा था उसमें उन्होंने जो हल्के से संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा है कि मायावती जी ने अच्छे काम किए थे पूर्व में, और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के गन्ने का रेट बढ़ाया था और बहुत अच्छे काम उन्होंने किए, तो ये लग रहा है कि किसान इन फ्यूचर जब 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा तो उसमें किसान जो है वो बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी किसानों ने जैसे बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी के पक्ष में वोट मांगे थे और प्रचार प्रसार किया था, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो महिला होने का जो है उनको बेनिफिट मिलेगा मायावती को, और दूसरा ये कि उनके पास जो अपना कैडराइज वोट है शेड्यूल कास्ट का वो है मुस्लिम 15-17% वो वोट है, दूसरा मुस्लिम वोट उनको मिल रहा है, तीसरा अगर ब्राह्मण वोट उनके पक्ष में आता और फिर अगर किसान भी मैं कहूँ कि एक तरीके से उनका समर्थन कर देते हैं, जो राकेश टिकैत की अभी तक की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो मायावती के समर्थन कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय पर बसपा मजबूत स्थिति में बन सकती है। अब जहां तक सवाल राकेश टिकैत जी का है तो वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो जाट भी शूद्र ही हैं। अब शूद्र हैं, अगर यही बात हम कहें कि भाई अगर इस देश के अखिलेश यादव है वो भी शूद्र है, मायावती वो भी शूद्र है, अगर ऐसे में राकेश टिकैत जो है वो भी अगर शूद्र ये कह दे कि नहीं हम तो जो है वो मायावती जी का समर्थन करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने जिस प्रकार से कहा कि जो चुड़ानी साहब हैं चढ़ूनी जो वो दलित नेताओं के ज्यादा संपर्क में, तो मैं आपको एक जो मीटिंग अभी पिछले दिनों हुई उसका जिक्र कर देता हूँ। एक हमारे प्रोफेसर हैं दलित कम्युनिटी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, रतन लाल जी की मीटिंग हुई थी, उसमें दिल्ली सरकार के मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम थे और ये अपना किसान नेता राकेश टिकैत थे और भी कई उदित राज थे, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई रणनीति तय हुई है। तो ये जो पंचायत है, ये जो छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं और जिस प्रकार की राकेश टिकैत की बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो भाषा मायावती के या बसपा के प्रति है, और पूर्व में भी अगर हम थोड़ा सा चले जाएं तो राकेश टिकैत जी जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो वो जो उन्होंने अपना दल बनाया था, जो संगठन उन्होंने बनाया था, वो संगठन उसका नाम भी बहुजन संघर्ष बहुजन ऐसा कुछ करके उन्होंने रखा था, तो वो उस विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जिस प्रकार से बाबा साहब की जयंती का मनाया जाना है, रविदास जी की जयंती का मनाया जाना है, तो वो लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो ये वोट आने वाले समय पर किसानों का जो बारीक चीज़ें हैं इन पर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्लियर तो नहीं कह सकते ना, बारीकी के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जिस प्रकार से रतनलाल जी के साथ में उनकी ट्यूनिंग बन रही है,
जिस प्रकार से और दलित नेताओं के उदित राज वहाँ थे, वहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम थे, तो ये जो दलित नेताओं के साथ में बैठना उठना है, चाहे तो अपना राकेश टिकैत जी का है, चाहे अन्य नेताओं का, किसान नेताओं का, ये सिद्ध कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक जो बहुजन मूवमेंट है, SC ST OBC के जो लोग हैं, जो 6,743 जाति बहुजन समाज की, जो माननीय साहब काशीराम ने बहुजन समाज को इकट्ठा किया था, ये साथ हो सकता है कि ये 2000